Hello dear learners, welcome back to Abhit Siksha. Welcome to another day wherein we're going to discuss many important topics which are in their newspaper. So let us begin. Aaj ke jo important articles hai, wo hai Ireland, Norway, Spain to set formally recognize Palestine. Palestine, Israel, bahut zyada news mein hai. I don't have to, you know, emphasize on the fact that you must know about the entirety of Israel-Palestine war, what happened, what is Arab Six-Day War, what was Yom Kippur War, everything you must know. हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया भी है, ठीक है. सो Israel-Palestine is news. एक news आया है ordinance making power के ऊपर, ठीक है. सो वो हम लोगों को देखना है. static देखेंगे part, करंट अफेयर्स का क्या रिलेवेंस है वो भी देखेंगे, और स्टैटिक पोर्शन को क्या है, आर्टिकल 123 क्या है, 213 क्या है, वो हम लोग देखेंगे. थर्ड इज आरबीआई ट्रांसफर, इतना 2,10,000 करोड़, ऑलमोस्ट 2.11 लाख करोड़ सरप्लस जो फाइनेंशियल सेंटर को इन फाइनेंशियल ईयर 2024, ठीक है. सो ये हम लोग देखेंगे. एंड फोर्थ क्या है, जस्टिफाइज वारंट. यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बताया. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के दिन का, ठीक है. यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर जो है यहाँ पर बात की गई, ठीक है. सो एक एक करके सारे न्यूज़ आर्टिकल को देखते हैं. पहला आर्टिकल है इन आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन सेट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन. तो हम लोगों ने देखा था कि एक फुल मेंबर होने का, जब आई थिंक 1 वीक पहले ही शायद न्यूज़पेपर में आया था कि जो आपका इसराइल पैलेस्टीन है वो एक फुल मेंबर जो है बनने के रेस में अब आगे बढ़ चुका है. अभी भी उसको वो नहीं मिला है कि वो एक फुल फ्लेजेड मेंबर है ऑफ यूनाइटेड नेशंस, बट उसको जो है अब नाउ दे कैन अप्लाई फॉर दैट, ठीक है. सो वो हम लोगों ने देखा था. सो उसी के चलते यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन जो है वो फॉर्मली रिकोगनाइज करना चाहते हैं किसको, पैलेस्टीन को वो फॉर्मली जो है रिकोगनाइज करना चाहते हैं. हम लोग ये न्यूज़ के साथ ही ना हम जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाला जो न्यूज है उन दोनों को हम साथ में इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे, ठीक है. सो यहां पर देखेंगे कि क्या बोला है उन्होंने कि आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन अनाउंस वेंसडे दैट दे विल फॉर्मली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन इवन एज रिपोर्ट इमर्जेस इजराइल पुशिंग इट्स वे फर्दर इन टू रफा इन सदर्न गाजा, ठीक है. तो ये अमिड्स द वॉर, मतलब अब जो है कॉन्टिन्यूसली नाउ इजराइल देर इज समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग गुड विथ इज़राइल, ठीक है. क्या मतलब, क्या बोलना चाहती हूँ कि मतलब नाउ दे आर ट्राइंग टू जस्ट वाइप अप, ठीक है. अब जो है वो सिर्फ वो वाइप करना चाहते हैं. दे आर नॉट ट्राइंग टू किल हमास नाउ. अब उनका जो प्रोपोगेंडा है दैट इज चेंजिंग नाउ, ठीक है. नाउ दे आर ट्राइंग टू किल इनोसेंट सिविलियंस, और वो करते जा रहे हैं, ठीक है. एंड गाजा एंड रफा के आसपास जितने भी एरियाज हैं वहाँ पर दे आर कंटिन्यूसली शेलिंग, कंटिन्यूसली बॉम्बिंग एंड कंटिन्यूसली किलिंग पीपल. एंड नाउ दिस इज नॉट अबाउट हमास एंड द इट्स नॉट लुकिंग लाइक इट इज़ अबाउट हमास एंड द टेररिस्ट ग्रुप. इट्स अबाउट जस्ट किलिंग मर्सीलेसली, ठीक है. वो जो है किलिंग जो है मर्सीलेसली आप देख पाएंगे. रफा से सदर्न स्ट्रिप है, वहाँ पर हमने बहुत बार देखा है, रफा का लोकेशन देखा है हमने, नेगेब डेजर्ट का लोकेशन देखा है, ठीक है. वो जो जोन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा वायलेंस रिडन जो है वो बन चुका है. सो उसके लिए आप देख भी पाएंगे कि नेतन्याहू एंड अदर जो लीडर्स है ऑफ इसराइल उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो भी झेलना पड़ रहा है, ठीक है. द रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस ऑन May 28. स्पीकिंग एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस डबलिन आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर सिमोन हैरिस लिंक द रिकॉग्निशन ऑफ आयरलैंड ओन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है. तो ये क्या बोलते हैं कि हैरिस जो यहाँ के जो साइमन हैरिस जो है आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या बोला, दे हैव लिंक्ड उनका पैलेस्टीन का आजादी विद देयर ओन आजादी. आपको पता होगा कि ब्रिटेन से आज़ाद होने के लिए आयरलैंड एंड देन आयरलैंड को नॉर्थ आयरलैंड एंड आयरलैंड में डिवाइड किया गया, ये आपको पता होगा, ठीक है. सो ये उन्होंने खुद से लिंक किया है. टुडे वी यूज़ द सेम लैंग्वेज टू सपोर्ट द रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन एज अ स्टेट, ही सेड इन अ सेपरेट मैसेज रिलीज्ड ऑनलाइन. मिस्टर हैरिस सेड आयरलैंड बिलीव दैट रिकॉग्नाइजिंग अ पैलेस्टीनियन स्टेट वुड लीड टू पीस एंड रिकंसिलिएशन इन द वेस्ट एशिया. उन्होंने ऐसा बोला कि इफ़ वी वही सेम टू स्टेट थ्योरी का बात यहाँ पर किया गया है कि अगर हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं तो वेस्ट एशिया में जो है शांति आएगी. Ireland also recognized Israel's right to exist securely at peace with its neighbor. There should be no further military incursion into Rafah, that is by Israel, and no further rockets fired at Israel by Hamas and Hezbollah, said Mr. Harris. So, काफी utopian भी बात उन्होंने की है कि there should be no attack by Israelis in the Gaza and there should be no air strikes by Hamas and Hezbollah. So ये काफ़ी यूटोपियन बात की है, बट यहाँ पर अगेन आपको पता होना चाहिए टू स्टेट्स के बारे में. टू स्टेट्स थ्योरी
किसके रिगार्डिंग में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये टू स्टेट थ्योरी जो है आपके इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में है, ठीक है. सो यू नो द कंटिन्यूस जो ये एक्शंस चल रहे हैं, एंड यू सी वॉर जो है काफ़ी लंबे तक चलते हैं. आपको याद हो रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है. इसराइल पैलेस्टीन तो इट्स वेरी वेरी फ्रेश, तो अभी पता नहीं कितना और साल चलेगा, कितना समय और जो है हम देख पाएंगे कि कंटिन्यूस बॉम्बिंग्स एंड शेलिंग्स चलेगा, बट दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है. सो ये जो है न्यूज़ था. हम लोग इसी के साथ वी विल डू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सॉरी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो न्यूज़ है उसको विल डू, ठीक है. सो यहां पर एक यू नो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर जो है एक वारंट आया है अगेंस्ट हमास, ठीक है, हमास लीडर एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल दोनों के खिलाफ जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो है जो लीडर्स है उनके खिलाफ जो है एक यू नो पटिशन जो है वो डाला गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में. सो लेट अस सी द न्यूज. इन सीकिंग अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट द लीडर ऑफ हमास, लीडर ऑफ हमास के खिलाफ भी जो है वारंट्स जो है अरेस्ट का वारंट जो है जारी किया है, एज वेल एज द लीडर ऑफ इसराइल ऑल्सो. सो दोनों के खिलाफ जो है यहाँ पर वारंट जो है जारी किया गया है. द ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज टेकन अ वेलकम फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ वॉर क्राइम्स कमिटेड सिंस अक्टूबर 7 लास्ट ईयर. देखिए, आम लोगों का जिंदगी ही जाएगा. इवन दो इट वॉज स्टार्टेड बाई हमास एंड अनवॉरेंटेड वॉर, एक अनवॉरेंटेड वॉर जो है हमास ने स्टार्ट किया था, एंड उसका भुगतान कोई नहीं कर रहा है, उसका भुगतान उन्हीं के लोग कर रहे हैं. पैलेस्टीनियन द नॉर्मल पीपल ऑफ पैलेस्टीन आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ द वॉर एंड नोबडी एल्स इज फेसिंग द ब्रंट ऑफ द वॉर, ठीक है. सो पीपल आर यू नो मेकिंग मनी आउट ऑफ द वॉर, दे वॉन्ट की वॉर जो है कंटिन्यू हो बिकॉज उनको जो है वहाँ से वो पैसे बना पा रहे. सो शेमफुल, सो अनफॉर्चुनेट, ठीक है. बट हमें यहाँ पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दोनों के खिलाफ हुआ है, बिकॉज इफ़ दे आर आस्किंग टू अरेस्ट हमास ऑल्सो, हमास के लीडर को भी वो अरेस्ट करना चाहते हैं, साथ ही वो इसराइल के भी लीडर को जो है अरेस्ट करने की यहाँ पर उन्होंने मांग की है, ठीक है. बिकॉज इन दोनों के वजह से ही जो नॉर्मल लोग हैं, जीनोसाइड जैसे क्राइम जो है उन दोनों के वजह से हो रहा है, एंड कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है किलिंग्स जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, डोंट कन्फ्यूज इट विद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसके साथ आप इसको कंफ्यूज नहीं करेगा. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दूसरा है, हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. सो यहां क्या है, गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल ट्रीटी द रोम स्टैट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, जो बता रही हूँ प्लीज उसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है. रोम स्टैट्यूट के तहत जो है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये इसको गवर्न करता है, ठीक है. ये रोम स्टैट्यूट जो है द आईसीसी, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इज द फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. इट वॉज द फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज नॉट अ पार्टी ऑफ रोम स्टैट्यूट. इंडिया जो है पार्टी नहीं है रोम स्टैट्यूट का, अलॉन्ग विथ यूएसए एंड चाइना. यूएस और चाइना भी नहीं है, और साथ ही इंडिया भी मेंबर नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का. आपको कंफ्यूजन के लिए डाल देगा यहाँ पर, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ रोम स्टैट्यूट, नो. इंडिया इज अ पार्ट ऑफ यू नो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नो. चाइना इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नो. इसराइल, In fact, Israel is also not a part of International Criminal Court. But फिर यहाँ पर इसराइल को क्यों घसीटा जा रहा है? Because Palestine जो है, it is a part of International Criminal Court. और अगर आप किसी member country के अगेंस्ट, भले आप उस statute के part नहीं हो, लेकिन आप उसके member country के ऊपर जो है threaten कर रहे हैं या फिर उन पर attacks कर रहे हैं, then ultimately आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी. इसीलिए इसराइल के खिलाफ जो है International Criminal Court में जो है यहाँ पर उनके खिलाफ जो है पिटिशन जो है ये डाला गया, ठीक है. इट इन्वेस्टिगेट्स एंड वेयर वॉरंटेड ट्राइज टू चार्ज इंडिविजुअल विद ग्रेवेस्ट क्राइम्स इन कंसर्न टू इंटरनेशनल कम्युनिटी. इंटरनेशनल कम्युनिटी पे अगर कोई ग्रेवेस्ट क्राइम है, जैसे वॉर क्राइम है, जीनोसाइड है, ठीक है, जीनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये सब क्राइम ऑफ एग्रेशन, ये जो है ये अगर इस टाइप के चार या पांच जो है आपके क्राइम्स हो रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत आ जाएगा. जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाएगा, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाएगा. लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी पे अगर कोई यू नो कलेक्टिव हार्म पहुंच रहा है, तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा. एंड दिस माय डियर्स, दिस इज लीगली बाइंडिंग. ये लीगली बाइंडिंग है, जो इसके मेंबर्स कंट्रीज है उनके ऊपर ये लीगली बाइंडिंग हो जाता है. लेकिन यहाँ देखिए, ना इंडिया है, ना इसराइल है, ना चाइना है, ना यूएस है. बहुत विडंबना वाली बात है, बट इंडिया ने क्या बोला था कि इंटरनल हमारा इंटरनल मैटर, वी कैन सॉल्व इट आर ऑन आर ओन, ठीक है. जैसे अगर वो चाहते तो कोई भी हमारे कश्मीर इशू को भी लेकर चला जाता इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, और ये तो लीगली बाइंडिंग है. तो इसीलिए हमने रोम स्टैट्यूट को ही साइन नहीं किया, ठीक है. सो ये आपको याद रखना है कि हमने रोम स्टैट्यूट को साइन नहीं किया. वी आर नॉट अ
मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. दो इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस आईसीसी एम्स टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर क्राइम्स एंड टू हेल्प टू प्रिवेंट दीज क्राइम्स फ्रॉम हैपनिंग अगेन. ठीक है, इसके लिए जो है ये इसको हैपन होने से रोकता है. इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट अलॉन्ग विथ यूएस एंड चाइना. द रोम स्टैट्यूट ग्रांट्स इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन ओवर फोर मेन क्राइम्स. कौन कौन से है? जीनोसाइड है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स ऑफ एग्रेशन है. ठीक है, इन चारों के जो है मैटर्स को ये सॉल्व करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, प्लीज़ अच्छे से करके जाइएगा. एंड यहाँ पर जो है पुतिन साहब के खिलाफ भी है, इसीलिए पुतिन साहब आप देखेंगे कि सिलेक्टिव कंट्रीज में ही जाते हैं. जैसे ही डिडंट गो टू साउथ अफ्रीका बिकॉज साउथ अफ्रीका इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ यू नो वारंट जो है वो जारी किया गया है. सो अगर वो साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स मीटिंग में जाते तो ये लीगली बाइंडिंग था ना कि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जो है वो उनको अरेस्ट करवाए. सो आप समझ रहे हैं, इसीलिए वो ब्रिक्स की मीटिंग में नहीं गए. समझ आ रहा है आप लोगों को? सो ये है इस टाइप से जो है, क्योंकि लीगली बाइंडिंग है तो अगर वो ब्रिक्स की मीटिंग में जाते तो उनको उनको अरेस्ट करना होता इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट पर, और फिर उनको वो जो है अरेस्ट उनको कर लेना होता. सो इसकी वजह से वो गए ही नहीं. इसलिए पुतिन साहब देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों पर थोड़ा यू नो ही ट्राइज टू अवॉइड इट. इसराइल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट, इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट, यूएस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट एंड चाइना, सो डज चाइना. चाइना इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ योर रोम स्टैट्यूट. ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस. ये आरिफ मोहम्मद खान जो है ऑनरेबल गवर्नर ऑफ यू नो कर्नाटका स्टेट. ठीक है, सो इन्होंने क्या बोला कि इनको ये जो कर्नाटका के जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ एक ऑर्डिनेंस जो है उसको पास करा दीजिए. उन्होंने बोला नहीं, हम अभी कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं करेंगे. अगर आप चाहते हैं कि हम ऑर्डिनेंस पास करें, जस्ट गो एंड टेक परमिशन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो ऑर्डिनेंस पासिंग का यहाँ पर पावर की यहाँ पर बात की गई है. उन्होंने कोई ऑर्डिनेंस फॉर्मुलेट करने से मना कर दिया बिकॉज अभी क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है. सो ही डजंट वॉन्ट टू यू नो पास वन और प्रोमिलगेट वन ऑर्डिनेंस. ठीक है, सो हम ऑर्डिनेंस देखते हैं. ऑर्डिनेंस जो है आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है एंड 203 के अगेंस्ट 213 के अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 213 गवर्नर ऑनरेबल गवर्नर के पास पावर रहता है कि वो ऑर्डिनेंस लागू करे. अब ऑर्डिनेंस क्या मैकेनिज्म है? व्हेन टू हाउसेज ऑफ द मतलब अगर इफ देर इज इट इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, सो दो हाउसेज में से अगर दोनों में से कोई एक भी ना हो या फिर दोनों ही ना हो इन सेशन, तो गवर्नर या एंड ऑनरेबल प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वो यू नो इमरजेंसी सिचुएशन में ही कैन प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस. ठीक है, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर रहता है जब इधर वन हाउस और बोथ दी हाउसेस आर नॉट इन सेशन. ठीक है, जैसे अगर लोकसभा सेशन में है, राज्यसभा सेशन में नहीं है, लेकिन वो कुछ यू नो इमरजेंसी है, उनको कुछ पास करवाना है, यू नो बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, लाइक कोविड का समय है. ठीक है, सो कोविड के समय में ऑर्डिनेंसेस बहुत सारे पास करवाए गए थे बिकॉज बोथ ऑफ द हाउसेस वेर नॉट इन सेशन और ईदर ऑफ द हाउसेस वेर नॉट इन सेशन. सिमिलरली स्टेट के मामले में भी अगर दोनों अगर इफ इट इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, सो दोनों हाउस सेशन में नहीं है या एक हाउस सेशन नहीं है, एंड इन यूनिकैमरल लेजिस्लेचर अगर स्टेट असेंबली आपके सेशन में नहीं है एंड उनको कुछ इमरजेंसी में पास करवाना है, देन दे हैव टू पास एन ऑर्डिनेंस या फिर दे हैव टू प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस. सो दैट इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड ऑनरेबल गवर्नर. ठीक है, सो आर्टिकल 123 इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट. सर्टन लॉ ऑफ पार्लियामेंट, याद रखिए यू नो एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है. वही रूल्स पे बना सकते हैं जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर हो, और वही रूल पे गवर्नर साहब बना सकते हैं जिसके पास स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स हो. एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी वो बना रहे हो ऑर्डिनेंस, नहीं. जितना पावर पार्लियामेंट के पास रहता है उसी यू नो एरिया में ऑर्डिनेंसेस जो है प्रोमुलगेट किया जा सकता है. आप ऐसे नहीं है कि आप पावर में नहीं है, मतलब सेशन में नहीं है लोकसभा, और आप जो है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई ऑर्डिनेंस लागू करें, नहीं, ऐसा नहीं होगा. आपको उतना ही लिमिटेड पावर दिया गया है जितना हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है. ठीक है, सो उस हिसाब से ही जो है आपका ऑर्डिनेंस जो है वो बन जाता है. जब दोनों हाउसेज जो है वो नहीं रहते तभी जो है ऑर्डिनेंस लागू किया जाता है. व्हेन एन ऑर्डिनेंस इज प्रोमुलगेटेड द लेजिस्लेटिव सेशन इज yet to commence, the ordinance remains effect as law. इतना जैसे नियम कानून जिस तरीके से effect में रहता है उसी तरीके से हमारा ordinance भी रहता है. ठीक है, और ordinance का जो maximum validity है वो 6 months एंड 6 weeks है. ठीक है, वैसे बेसिकली 6 weeks के लिए रहता है, लेकिन 6 months बिकॉज 6 months क्या है, एक सेशन के बीच में, दो सेशन के बीच में 6 months का गैप रह सकता है. ठीक है, तो 6 months जो है
सिक्स मंथ एंड सिक्स वीक, मतलब आपको कहीं कहीं 7.5 मंथ्स भी आपको देखने को मिलेगा. सो दिस विल बी ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, तो सिक्स मंथ एंड सिक्स वीक इज द मैक्सिमम वैलिडिटी. ठीक है, मैक्सिमम. और आपको पास करवाना ही होगा, इधर यू कैन पास इट और यू कैन जस्ट क्लोज दैट ऑर्डिनेंस. ठीक है, आपको या तो पास करवाना है या तो उसको छोड़ देने का, मतलब उसको या तो आप डिलीट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को. ठीक है, सो ये क्या है, मैक्सिमम कितना है, 7.5 मंथ, दैट इज 6 मंथ एंड 6 वीक. इतना ही जो है इसका एक ऑर्डिनेंस का लाइफ साइकिल है. ठीक है, इतना है मैक्सिमम वैलिडिटी है, 6 मंथ एंड 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रोमिलगेशन. ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत व्हेन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज इन नॉट इन सेशन. ठीक है, सो ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्लीज प्लीज रिवाइज इट फ्रॉम द पार्लियामेंट चैप्टर ऑफ द एम लक्ष्मीकांत का बुक. ठीक है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, चलिए वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज. द लास्ट न्यूज इज आरबीआई टू ट्रांसफर रुपीज इतना सरप्लस टू सेंटर. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि आरबीआई ना अपना बहुत यू नो आरबीआई बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट का एंटिटी, सो उनके पास बहुत सारे यू नो जैसे डिविडेंड होता है, जैसे कोई कंपनी आपको डिविडेंड देती है जब उनको प्रॉफिट होता है तो वो आपको डिविडेंड देती है. यस, सिमिलरली आपका जो आरबीआई है इट इज अ गवर्नमेंट एंटिटी, तो उनके पास अगर कुछ यू नो उनको प्रॉफिट्स होते हैं तो वो क्या करेंगे, द प्रॉफिट्स वुड बी शेयर्ड बाय गवर्नमेंट. और स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे जो है शेयर्स को प्रॉफिट्स को जो है वो ले लेती है, थोड़ा सा मार्जिन आरबीआई के पास रखकर बाकी वो ले लेते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ कि अनप्रेसिडेंटेड एक तो ग्रो यू नो प्रॉफिट हुआ, अनप्रेसिडेंटेड बहुत सारे प्रॉफिट हुए. विंडफॉल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जब अनप्रेसिडेंटेड बहुत सारा अर्निंग हो जाए, यू रिमेंबर मैंने आपको टोमेटोज का एग्जाम्पल दिया था, दुबई में अगर हम जाकर बेचे क्या होता है, मैं आपको फिर से बताती हूँ. लेट्स से एक फार्मर है, फार्मर ने क्या किया, उन्होंने लेट्स से 20 रुपीज केजी में एक ट्रेडर को बेचा. ठीक है, एक ट्रेडर को बेचा. अब ये ट्रेडर जो है ये एक्सपोर्टर है. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये दुबई में जाकर ही सेलिंग टमेटोज इन 120 रुपीज पर किलो. ठीक है, ये बीच में जो है इतना मार्जिन जो है नॉर्मली रहता था. अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड कारण के वजह से, लेट्स से कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में टमाटर का जो है भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया. ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है टमाटर का जो प्राइसेस बढ़ गया, मे बी लाइक 120 पर किलो से लेट्स से 200 रुपीज पर किलो हो जाए. सो ये एक्स्ट्रा मेहनत ना फार्मर ने किया है, ना ये एक्स्ट्रा मेहनत ये ट्रेडर ने किया है, बल्कि इंटरनेशनल कुछ उसके वजह से, मार्केट की वजह से यहाँ पर वो प्राइस जो है ज़्यादा इंक्रीज हो गया. पहले 120 रुपीज़ ही था किलो का, लेकिन अब अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर प्राइस जो है इंक्रीज हो गया. यहाँ पर ना फार्मर ने एक्स्ट्रा पैसे डाले, ना ट्रेडर ने एक्स्ट्रा पैसे डाले, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड एक प्रॉफिट है ना, इसको हम बोलते हैं विंडफॉल प्रॉफिट. ये प्लीज़ याद रखिएगा, विंडफॉल प्रॉफिट, ये होता है विंडफॉल प्रॉफिट. तो यहाँ पर आरबीआई को बहुत सारा विंडफॉल प्रॉफिट जो है आपको देखने को मिलेगा. कैसे हो सकता है, जैसे डिवैल्यूएशन, जैसे इंडिया ये रुपी जो है डिवैल्यूएट हो गया. लेट्स से पहले क्या था, एक डॉलर पे 100 रुपये मिलता था, अब एक क्योंकि रुपी डिवैल्यूएट हो गया सो एक डॉलर पे 200 रुपये मिला, तो ये एक्स्ट्रा मनी है ना. सो ये क्या है, ये भी यू नो इट कैन बी कंसिडर्ड इन प्रॉफिट्स ऑफ यू नो एक्स्ट्रा उन्होंने प्रिंट किया तो सरप्लस मनी रह गया, राइट. तो सरप्लस मनी को अब वो सेंटर को दे देते दे. तो डिवैल्यूएशन की वजह से हो सकता है, बहुत सारा विंडफॉल जो है अगर प्रॉफिट जो होता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो सरप्लस मनी है वो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं. आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है. और कैसे कमाता है पैसा, जैसे जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो होता है उस पर यू नो थोड़ा अमाउंट जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो रखता है. ठीक है, रिवर्स रेपो रेट वगैरह पे भी जो है एक सर्टेन अमाउंट जो है वो रखते हैं हमारे सेंट्रल बैंक जो है अपने पास रखते हैं. और फिर क्या है, सिग्नोरेज, आपको पता होगा सिग्नोरेज. सिग्नोरेज क्या होता है, सिग्नोरेज जो है होता है कि पैसे प्रिंट करने के जो है, पैसे जब आरबीआई प्रिंट करते हैं तो उसमें से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है आरबीआई अपने पास रख लेता है, उससे आरबीआई जो है अगेन फर्दर प्रिंट करता है और फिर उसके बाद वो जो अमाउंट प्रिंट करते हैं पैसा उसमें से एक सर्टेन प्रॉफिट आरबीआई अपने पास रखता है. सो दैट इज सिग्नोरेज. तो सिग्नोरेज, ये सीआरआर एसएलआर जो रेपो जो रेट्स होते हैं उसके वजह से भी थोड़ा प्रॉफिट्स, डिवैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट, विंडफॉल की वजह से जो प्रॉफिट्स होता है, इन सब प्रॉफिट जो है बहुत सारा प्रॉफिट जो है कमा के, एंड इट इज 2.11 लाख करोड़ का जो प्रॉफिट है वो उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया. ठीक है, सो यहां पर वही सेम बात की गई है कि जो है प्रॉफिट जो है वो शेयर क्या है, लेकिन इट इज डबल नाउ. ठीक है, 2019 में इट वाज अराउंड 80,000 करोड़ रुपीस के अराउंड कुछ जो है अर्निंग एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट था, बट 2024 में इट्स 2.11 लाख करोड़. तो काफी ज्यादा जो है यहां पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा. ठीक है, चलिए
All right, with this we come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.